हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले एक बार इस इमेज को देखिए, और एक ये भी इमेज है। दोनों आपको सिमिलर लग रही होगी, लेकिन अगर आप नीचे साइज पे एक बार ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 62 KB की इमेज है ये, और ये 64.3 KB की इमेज है। दोनों सिमिलर हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक इमेज के अंदर इन दोनों में से एक हिडन टेक्स्ट है, तो आपको वो नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप किसी भी इमेज के अंदर अपने टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं किसी को। और बीच में अगर वो इमेज किसी और ने देख भी ली या फिर आपका इमेज कैप्चरिंग कर ली, तो भी उसको नहीं पता चलेगा कि हिडन टेक्स्ट क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो है, मैं एज अ रूट लॉगिन कर लेता हूँ अपने टर्मिनल में। ठीक है, और हम जो स्टैक हाइट के लिए कमांड यूज करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है, इसके बाद स्टैक हाइट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है किस तरह से आप स्टैक हाइट इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए आप मैन कर देना। जो भी ऑप्शंस वगैरह आपके पास स्टैक हाइट में होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब स्टैक हाइट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। स्टैक हाइट हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम अपना टर्मिनल खोलते हैं, और मैं जो है सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, ताकि जो भी आपको काम होता हुआ दिखे वो डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखे। मैं यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करता हूँ, hey.txt ही नाम रख लेते हैं इसका, आप कुछ भी रख सकते हैं फाइल का नाम। और मैं इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट फाइल को, मतलब टेक्स्ट को लिखूँगा जो मेरे को हाइड करना है। कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं डेमो के लिए कुछ भी लिख ले रहा हूँ। ये एक बार देख लेता हूँ मैं क्या लिख रखा है इसके अंदर। तो दिस इज हैकर सब, हमने स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं। इस ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर हिडन, मतलब हिडन नहीं है, अभी दो फाइल अलग अलग हो रखी है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ये जो car.jpg है, ये इमेज कैप्चर कर लेगी जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इस वाली फाइल का जो अभी आप देख सकते हैं कि इसका फाइल का जो साइज़ है वो 62 KB है, 62.62 KB है। और जब मैं इसको हिडन कर दूंगा, इस टेक्स्ट को इस इमेज के अंदर, तो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे करना है? टूल का नाम क्या है हमारे? स्टैक हाइड। कौन सी फाइल हमें एम्बेड करनी है? ठीक है, EF, कौन सी फाइल? hey.txt। CF मतलब कवर फाइल। कवर फाइल मतलब जिस फाइल के अंदर आप इमेज को हाइड कर रहे हैं, car.jpg। ठीक है, और SF मतलब स्टैगो फाइल। कौन सी स्टैगो फाइल जनरेट होगी? मैं यहाँ पे RSS या फिर जो भी लिख देता हूँ, JPG। और एक पासवर्ड आपको चाहिए होगा, क्योंकि जिसको वो फाइल मिलेगी वो कैसे रीड करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई ये स्टैगो फाइल है, इसके अंदर से टेक्स्ट जो है वो कैप्चर करना है, तो उसके लिए एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। ये जो इमेज है ये कैप्चर हुई है, ये जनरेट करी है स्टैगो ने, और इसका साइज़ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 64 KB है। यहाँ पे जो पहले वाली इमेज थी इसका साइज़ था 62.2 KB। ठीक है, तो इसके अंदर ये टेक्स्ट जो है ये छुप रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अब इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं, इस इमेज को किसी को भेज सकते हैं, इसके अंदर सीक्रेट मैसेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से स्टैगो फाइल में से आपको डेटा को फेच करना है, पता कर सकते हैं आप किस कौन सी फाइल नॉर्मल फाइल है, कौन सी इमेज नॉर्मल है, किस इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट या फिर कोई ऑडियो फाइल कुछ भी आप हिडन है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो या फिर चैनल अच्छा लग रहा है तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।